शिवाजी महाराज का सम्मान भारत का मान, हर हिंदुस्तानी का लौट आया अभिमान। महाराष्ट्र के दिग्गज मंत्री को पूरा भारत करेगा सलाम। 75 सालों में भारत को जो कोई नहीं दिला पाया वो पीएम मोदी और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कैसे कर दिखाया। शिवाजी का बाघ नख भारत आया, महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा शिवाजी के बाघ नख का करेगा स्वागत। उधर लंदन में बजा ढोल नगाड़ा, इधर हिंदुस्तान में शुरू हुई जश्न की तैयारी। ये दिन महाराष्ट्र के दिग्गज मंत्री सुधीर को सलाम करने का है, जो काम महाराष्ट्र के बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं कर पाए। शरद पवार और बाला साहेब ठाकरे जैसे नेता भी सिर्फ भरोसा दिलाते रह गए, वो काम शिंदे सरकार के मंत्री ने कर दिखाया। जो लोग नहीं जानते कि शिवाजी का बाघ नख इतना अहम क्यों है, वह हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने अफजल खान से लेकर बड़े बड़े दुश्मनों को परास्त करने में इसका इस्तेमाल किया। पर उससे पहले सुनिए मंत्री जी ने इस असंभव को संभव कैसे किया। 75 सालों में जो नहीं हुआ उसे मंत्री सुधीर ने 75 घंटे में कर दिखाया। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि जैसे शिवाजी का राज चिन्ह नेवी के लोगों में लगाकर महाराष्ट्र की शान आपने बढ़ाई है, वैसे ही हमें शिवाजी का बाघ नख लंदन से वापस चाहिए। मोदी सरकार ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बातचीत की। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने खुद कई बार चिट्ठी लिखी, कभी दिल्ली तो कभी लंदन गए, दिन रात एक कर मेहनत की और वो सफलता हासिल की जो महाराष्ट्र के इतिहास में कोई बड़ा नेता नहीं कर पाया। जहाँ तक कि महाराष्ट्र की सियासत में इतने बड़े नाम शरद पवार और बाला साहेब ठाकरे जैसे दिग्गज भी लंदन से बाघ नख नहीं ला पाए। पर शिंदे सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार शिवाजी का बाघ नख वापस लाने मंत्री जी सीधा लंदन पहुंचे। वहां की सरकार को कहा कि ये जो म्यूजियम में आपने मेरे यहां का बाघ नख रखा है उसे लेकर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, ये हमारे देश की आन बान शान है। जब फाइल देखी गई तो पता चला कि साल 1818 और 1824 के बीच में इसे हिंदुस्तान से लंदन लाया गया और म्यूजियम में रख दिया गया। उसके बाद दोनों देशों के बीच में MOU साइन हुआ और ये तय हुआ कि नवंबर 2023 तक ये बाघ नख हिंदुस्तान आ जाएगा। पूरा देश इस बात का जश्न मना रहा है कि अंग्रेजों ने सालों पहले जो चीज अपने यहाँ की म्यूजियम में ले जाकर रख दी थी वो हमें वापस मिल गई है। ये बाघ नख इतना खास है कि दुश्मन इसे देखते ही थर थर कांपने लगते हैं। इसमें 4 घुमावदार ब्लेड होते हैं। शिवाजी की पकड़ में आने के बाद वो दुश्मन को तलवार से नहीं बल्कि इस बाघ नख से सीधा ऊपर भेजते थे। शिवाजी ने इसी से अफजल खान को सीधा ऊपर भेजा था। दुश्मनों के लिए ये बाघ नख एक काल की तरह था। जैसे महाराणा प्रताप की तलवार की चर्चा होती है, ठीक वैसे ही शिवाजी का बाघ नख की चर्चा उस दौर में घर घर होती थी जब मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान पर वर्चस्व जमा रही थी। तब साल 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ। अंग्रेज भी तब भारत में व्यापार करने आ चुके थे। बचपन में ही शिवाजी ने माँ जीजाबाई से काफी कुछ सीखा। 10 साल की उम्र में पहली शादी हुई और 16 साल की उम्र में वो एक दुर्ग के अधिपति बन चुके थे। धीरे धीरे उनका प्रभाव ऐसा बढ़ा कि मुगल भी उनसे खौफ खाने लगे और शिवाजी के शत्रु मुगल और बीजापुर दोनों थे। औरंगजेब बीजापुर से संधि कर चुका था और शिवाजी को अपना दुश्मन मान बैठा था और मौके की तलाश में था। कहते हैं कि औरंगजेब ने ही बीजापुर के सुल्तान को ये सलाह दी कि शिवाजी के खिलाफ कुछ करना होगा। तब सुल्तान ने अब्दुल्ला भटारी उर्फ अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने भेजा। 12,000 सैनिकों के साथ में पहुंचे अफजल खान ने अपने दूत भेजकर शिवाजी को कहा, अगर बीजापुर के सुल्तान की अधीनता आपने स्वीकार की तो आपको दरबार में सम्मानित पद मिलेगा और जो क्षेत्र आपके नियंत्रण में है उन सब पर आपको अधिकार मिल जाएगा। अब इस बात से शिवाजी के साथी सहमत थे, पर शिवाजी ने अपने दूत भेजकर ये पता लगवाया कि कहीं कोई ये चाल तो नहीं है और उनकी ये शंका सच साबित हुई। इसीलिए जब वो अफजल खान से मिलने पहुंचे तब बाघ नख को अपने हाथों में लेकर गए और जैसे ही देखा कि आसपास से सैनिक घात लगाए बैठे हैं पर अफजल खान गले मिल रहा है, उसी दौरान उसने हमला करने की कोशिश कर दी। उसके बाद तो शिवाजी ने वहीं अफजल खान को बाघ नख की मदद से ढेर कर दिया। ये वो कहानी है जो महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे को सुनाई जानी चाहिए और सुनाई जाती भी है। हिंदुत्व के सबसे बड़े समर्थक मराठा शासक शिवाजी को यूं ही नहीं महान शासक कहा जाता है। उन्होंने जो किया वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है।